तो अभी हम लोग क्या ये क्लच डिसमेंटल करेंगे, इसके अलावा एक एक पार्ट्स को वर्नियर कैलिपर के द्वारा जो चेक करेंगे वो पार्ट सही ख़राब है, ठीक है। जिसमें आपको ये भी पता चलेगा कि क्लच डिसमेंटल कैसे किया जाता है, कैसे आपको इसको इंस्टॉल करना है। दूसरा आपको ये भी पता चलेगा कि पार्ट की चेकिंग वर्नियर कैलिपर से कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हम लोग फोकस करेंगे। किसी का कोई भी सवाल रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। पूरा खोल लो ना, अभी जब ये होल्ड किया हुआ तो पूरा खोल के निकालो। इसके बाद इस टूल को आपको क्या करना है, रिमूव कर लेना है, पूरा टर्न करो। ठीक है, तो ये आपका रिमूव हो गया। सबसे पहले जो स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, वो स्पेसिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। तो आप लोगों ने अभी जो फोटो खींचा है उसमें ये पलट के मारो नीचे। नीचे हाँ, गुड, ठीक है। तो ये सब कुछ डिसमेंटल हो गया। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रहे कि आप लोग क्या करते हैं कि जो पार्ट्स होते हैं इनका नाम जो है अलग बुलाते हो, बट पार्ट खरीदने जाओगे तो इनका नाम अलग रहता है, जी सर। ठीक है। जैसे इसका नाम होता है क्लच हाउसिंग, ठीक है, या आउटर हब बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका नाम होता है क्लच हब, क्लच हब, ठीक है। इसको इनर हब बोलता है, अगर आप लेने जाओगे तो इनर हब इस पे नाम लिखा रहेगा इस टाइप से। इसके अलावा इसका क्या नाम होता है, क्लच प्लेट, लेकिन आप लेने जाओगे इतना पैकेट पे फ्रिक्शन प्लेट नाम लिखा रहेगा। क्या नाम लिखा रहेगा, फ्रिक्शन प्लेट, मतलब घर्षण प्लेट, ठीक है। इसके अलावा ये पार्ट है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, प्रेशर प्लेट, लेकिन ये प्रेशर प्लेट नहीं है, ये स्टील प्लेट है। क्या स्टील है, प्लेट, हाँ, इसको स्टील प्लेट बोलते हैं। यहीं पे आप लोग गलत करते हो, क्योंकि क्या है कि पूरा मैं पूरे यूपी में देखा हूँ, हर जगह यही लोग नाम बोलता है जो वर्कशॉप में आप लोग बोलते हो। तो फिर आप लोग के वजह से मैं भी वही नाम लेता हूँ कि चलो ठीक है, यही प्रेशर प्लेट, आप लोग इसको प्रेशर प्लेट बुलाते हो ना। तो बट इसका जो एक्चुअल नाम है ये स्टील प्लेट है, बाकी ये सभी हो गए। अब इसका नाम आता है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, सेंटर, ठीक है, बट इसको प्रेशर प्लेट बोलते हैं। हाँ, निकालना, इस पर प्रेशर प्लेट बोलते हैं, ठीक है। कभी पार्ट्स लेना उसको मैं आपको पता चलेगा। इसके अलावा इसको रिटेनर प्लेट बोला जाता है, इसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, प्लेट लगाते हैं, स्प्रिंग को होल्ड करके रखती है। ये क्लच स्प्रिंग है, ठीक है, ये बाकी इसके बोल्ट्स हैं। तो कुल इतने ही पार्ट हैं, इसमें और कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर आपने जब कोई क्लच डिसमेंटल कर दिया है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो जो भी आप पार्ट्स यूज करने, मतलब आप चेंज करना चाहते हो। पहले तो देखो यार, बाइक वगैरह में क्या होता है कि हम लोग सीधे पार्ट आंखों से देख के पता कर लेते हैं कि ये पार्ट ख़राब है, हमें नया डालना। बहुत सारा सही पार्ट हम बदल देते हैं, हटाओ, झंझट ही खत्म। लेकिन अगर आप मैकेनिक हो या आप उस्ताद हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पार्ट वाकई ख़राब है या नहीं ख़राब है। ये चीज़ बताता है ये वर्नियर कैलिपर, ये वर्नियर कैलिपर का यूज करके आपको पता चलता है कि ये पार्ट सही या ख़राब है। कई बार आप कोई असेंबली लेने जाते हो तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स जैसे ये स्प्रिंग वगैरह साथ में ही आ जाता है, ठीक है, तो आपको पता ही नहीं चलता यार ये तो स्प्रिंग तो हर बार ही बदलना होता है। तो हम लोग कभी इसको चेक करने की ना तो आवश्यकता पड़ती है, ना तो हम कभी सोचते भी इसे चेक करें, ठीक है। तो ज़रा अपना जो मैंने सीट दिया है उस सीट को खोलो जिसका आपने फ़ोटो लिया है। अभी जैसे ये सभी आपके पास डिटेल्स लिखा हुआ है, ये पार्ट्स का नाम लिखा है, कितना इसका फ्री, मतलब कि आप इसको इससे जब वर्नियर से मेजर करेंगे तो कितना आना चाहिए, इसका सर्विस लिमिट तीसरे पॉइंट पे लिखा है। यहाँ पे आपका लिखा है क्लच स्प्रिंग फ्री लेंथ जो 39 से 49.1 mm तक होना चाहिए। अगर ये 38.1 से कम है, जिसको क्या होता है स्प्रिंग समय के साथ क्या होता है, जब यूज करते हो तो दबती चली जाएगी तो उसकी लेंथ छोटी हो जाती है। जब ये लेंथ छोटी हो जाएगी तो दबाव कम पड़ता है आपका, सही बात है। तो आपको इसका लेंथ चेक करना है, तो चलिए वर्नियर लगाइए, वर्नियर पे फ्रीली इसको लगाइए। उसको पहले ड्रैग करो, डरो मत भाई, बहुत इजी चीज है। हाँ, दबाओ उसको, ठीक है, अब उसे पर कस दो। ये आपका देखो फ्री लेंथ है, ये प्रेस नहीं है, बिल्कुल इजीली क्या होना चाहिए, अंदर जाना चाहिए और आ जाए। आ गई, तो आपने क्या कर लिया, इसे चेक कर लिया। अब आपने क्या किया, इसमें आपकी रीडिंग आ गई। अगर रीडिंग देखोगे तो ये आपका 40
कितना है 40 के पार ही जा रहा है, तो हाँ ये देखोगे तो ये 40 हो गया, mm लिखा है 45 के बाद आपका ये लगभग 48 तक जा रहा है ना, ये नहीं यहाँ पे जीरो है ना, जीरो 45 तो करीब 44 mm के करीब जा रहा है, तो 44 mm करीब जा रहा है तो हमारा काम ओके है, यानी कि हमारी जो स्प्रिंग है ये अभी काम लायक है, ठीक है, ये हमारी स्प्रिंग ओके है, ठीक है। तो हमने अभी स्प्रिंग चेक कर लिया। इसके अलावा लिखता है फ्रिक्शन प्लेट थिकनेस। अब फ्रिक्शन प्लेट क्या है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसका थिकनेस देखोगे तो आपका आएगा 2.95 और सबसे मिनिमम आता है 2.75 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए कभी भी। हाँ चलिए फ्रिक्शन प्लेट लगाइए, इसके इस प्लेट इस पे लगाइएगा। चलिए अब आप लोग खेलना शुरू करो भाई, यहाँ पे लगाओ, ठीक है, आगे करो आप, हमें भी दिखाओ, हाँ लगाओ, टाइट करो पूरा, हाँ टाइट करिए अब हो गया जी। रुको एक सेकेंड, ओके हाँ टाइट करिए, हाँ टाइट कर दीजिए, ये आपने इसको लॉक कर दिया, ठीक है, अब इसको अब उसको पढ़ लीजिए यहीं पे लाइए। अब इसका पढ़ना आपको आना चाहिए, तो अभी आपने क्या कर लिया, ये फ्रिक्शन प्लेट को चेक कर लिया, यानी कि आपके हिसाब से क्लच प्लेट, तो अगर इसकी रीडिंग देखोगे कितना आ रहा है, 2 खाना है पूरा, अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट 3 mm आ रहा है, ठीक है, और जबकि यहाँ पे रीडिंग में कितना लिखा है, 2.0 फ्रिक्शन प्लेट 2.95 से 3.05, तो लगभग 3 mm पूरा एग्जैक्ट है, उससे प्लस ही है, ठीक है, तो हमारा ये क्या है, पार्ट सही है, सही है, समझ गए, ये पार्ट काम करने लायक है कि नहीं, ये अगर ये घिसते घिसाते 2.75 से भी कम आ जाता तो ये पार्ट खराब है, हमें नया डालना है। कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा जले ही, कि हमारा एकदम बिल्कुल जल गया तो ठीक है तभी बदलेंगे, समझ गए। स्टील प्लेट लगाओ, निकाल के तब टाइट करो, लेकिन ये अभी देखो ये फ्री चल रहा है, अरे आप उधर उसको लूज करो, आप उधर से अपना हाथ ऐसे पकड़िए बेटा, खींचो, हाँ ठीक है, अब खींचो, अब उसको टाइट करिए, खींच लो, निकाल लो बाहर, ठीक है, अब रीडिंग लीजिए कितना है, कौन पढ़ेगा, स्टील प्लेट लगभग 1.5 mm होना चाहिए, 1 mm यहाँ पूरा दिख रहा है, 1 mm पूरा, और उसके बाद देखो नीचे वाली कौन सी लाइन ऊपर वाले के बराबर है, यहाँ पे कैमरा बहुत अच्छा है, कैमरे में अच्छा आ रहा है, तो पता नहीं कौन सा फीचर होता है ये, अगर देखोगे तो ये एक खाना पूरा है, इसके बाद जो है कौन सी लाइन ऊपर वाले के बराबर है आपको खोजना है, मुझे लग रहा है ये 6 जो 6 लिखा है ना, 6 के ऊपर वाली लाइन एकदम एग्जैक्ट ऊपर वाले के बराबर है, देखो है क्या, अगर बराबर है तो एक खाना ये तो 1 mm हो गया, और ये 60 मतलब 30 खाना हो गया, 6 तक 30, अब 30 का दुगना कितना हो जाएगा, 60, तो 1.60 हो गया, जो हमारा यहाँ पे लिमिट था वो खोलो तरह जरा, हाँ जो हमारा लिमिट था फ्रिक्शन प्लेट का, आपका ये स्टील प्लेट का कितना 1.5 से लेके 1.65, तो लगभग 1.60 आ ही रहा है, तो हमारा ये स्टील प्लेट क्या है, ओके सही है, ठीक है। इस प्रकार से आप चीज़ों को चेक करते हैं। अगला आता है स्टील प्लेट का वार्पेज। कई बार हम लोग कहते हैं कि हमारा ये जो है क्लच बेंड हो गया है, ठीक है, हम क्लच लेते हैं लेकिन फिर भी हमारा क्या होता है, गियर हार्ड लगता है, तो उस केस में हमारा स्टील प्लेट बेंड हो जाता है, ये बेंड हो जाता है ना, ये आप लोग बोलते हैं ना प्रेशर प्लेट बेंड हो गया, भाई बोलो जी। बोलते हो ना, तो कैसे पता करेंगे ये बेंड हो गया, कैसे चेक करते हो कि ये बेंड है, बताओ भाऊ, हाँ सर हाँ तो सही कह रहे हैं, कैसे पता चलेगा ये बेंड है, ये सर थोड़ा हमारा स्टील प्लेट, मैं तो स्टील प्लेट बोलूँगा, आप अगर आप प्रेशर प्लेट बोलते हो तो आप बोलना, ये हमारा कितना बेंड है, ये पता करने के लिए हमें फीलर गेज की आवश्यकता पड़ती है। कंपनी जो बोलती है ये आपका बोलता है कि स्टील प्लेट
0.2 से ज़्यादा बेंड है तो खराब है। जो स्टैंडर्ड है 0.10 का है, ठीक है, एक अच्छा खासा है ये। तो हमें क्या करना होता है, इस पार्ट को किसी फ्लैट सरफेस पर रख दो। अगर आपको लगता है कि ये हमारा जैसे ग्लास वगैरह है, आप ग्लास पर रखिएगा, ग्लास सीधा रहता है ना, तो जो एकदम सीधा रहता है ग्लास पर रखिए। रखने के बाद इसमें जो है 0.10 mm का कोई एक पीस आप निकालेंगे, ठीक है, तो ये आपको खोजना रहेगा। तो जैसे अभी ये 4 नंबर डाल रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं ना, चढ़ गया होगे घुसेगा यहाँ पे भी रख सकते हो। अब स्टील प्लेट पे बिल्कुल बैठ जाओगे तो नहीं होगा ना, बिल्कुल जैसे इसको क्या कहते हैं ना, ग्लास पे रख दिया, उसके बाद इस तरीके से इसको खींच दिया। जो हमारा स्टैंडर्ड है 10 नंबर का, ग्लास के ऊपर रखोगे एकदम एग्जैक्ट आता है उसको। ये क्या है कि ये फिलर गेज की मदद से आप स्टील प्लेट बेंड है कि नहीं ये चीज़ चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करते हैं ये पार्ट्स, तो ये पार्ट्स पे अगर आपकी मार्किंग है, मार्किंग ही तो देखते हैं ना, अगर इस पे लाइनिंग है या घिसावट आ गई है तो आप इसे क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हब की बात करें, इसका आउटर हब की, तो यहाँ पे कटता है, मतलब जिस तरफ चलेगा उसका अपोजिट साइड, इस तरफ वियर आउट आपका होगा। अगर ये कटा है तो आप इसे बदल दें, इसको चलाने की कोशिश ना करें, ठीक है। इसमें क्या खराबी आती है बताइए राजेश, ये प्लेट कटेगा, ठीक है, ये कटेगा। अगर ये प्लेट कट गया तो मतलब आपका प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका दो क्लच खोलोगे तो इसमें आपको दो चीज़ें मिलेगी। ये देखो दोनों प्लेट इसी से निकला है ना, इसमें देखोगे तो इस पर जो फ्रिक्शन लाइनिंग बनी है, जो बर्ड्स बने हैं ना, ये देखोगे तो मोटे हैं, ये पतले हैं, है ना, हाँ। इसमें कुल दो मोटे मोटे होते हैं, तो जो मोटा रहता है ना वो हमेशा एक इसके साथ जाएगा और दूसरा वाला इसके साथ जाएगा मोटा वाला, बाकी जो पतला रहता है सब बीच में रहेगा, यानी एक पहला एक लास्ट रहेगा, हाँ, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग बैठाएंगे तो समझ में आ जाएगा, चेक कैसे करना है ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं बैठाने की, बैठाते कैसे। देखो अगर ध्यान से देखो तो ये आपका क्या होता है, अब है ये क्या होता है, इनपुट शाफ्ट पे बुश पे ही लगा रहता है, ये बिल्कुल फ्री चलता है, क्या होता है फ्री चलता है। ये पार्ट्स क्या करता है आपका, इनपुट शाफ्ट जो गियर बॉक्स होता है उस पे लगा होता है, ठीक है। जब ये घुमाओगे तो गियर बॉक्स घूमेगा, और इन दोनों को, और ये दोनों अलग अलग होते हैं, इनको जोड़ने के लिए एक आपको फ्रिक्शन प्लेट चाहिए और एक आपको स्टील।